हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन है, तो रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स है, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन में, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को आप कैसे सेट कर पाएंगे रेडमी फ़ोन में, तो आज हम बताने वाले हैं कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट कैसे करें रेडमी फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही वाला आइकन से ओपन हो जाएंगे, सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि कैसे आप 5G नेटवर्क को इनेबल कर सकते हैं रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G फ़ोन में, और कैसे आप इनेबल कर सकते हैं 5G नेटवर्क को। तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया, तो सिंपली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स को सेट करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। जो भी एनिमेशन आप लॉक स्क्रीन में लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, जैसे कोई भी एनिमेशन आप सेट करना चाहते हैं, ये एनिमेशन है, इसको अप्लाई कर देंगे तो आपके लॉक स्क्रीन में शो करेगा और एनिमेशन आपके फ़ोन में शो करेगा सही तरीके से, और ये बैकग्राउंड आपके एनिमेशन में शो करता है। जब आप स्क्रीन को ऑफ कर देंगे तो कुछ इस तरीके से एनिमेशन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इस तरीके से लॉक स्क्रीन एनिमेशन को सेट कर सकते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाकर। एंड आप और भी एनिमेशन आप सेट कर सकते हैं, डिजिटल क्लॉक्स एनिमेशन, क्लाइडोस्कोप एनिमेशन, और भी ऐसे डिफरेंट टाइप के एनिमेशन आ रहे हैं, आप कर सकते हैं। कोई फ़ोटो भी अपने फ़ोन के एनिमेशन में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। जो भी एनिमेशन अप्लाई करते हैं यहाँ से लगा सकते हैं फ़ोटोज़ को, और एनिमेशन में आपके लग जाएगी। तो ऐसे हम लगा दिए, अप्लाई करते यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।